बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करते हैं एक ब्रायोफाइट दैट इज़ द फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया मॉसेस के ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिनमें लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं और टेरेस्ट्रियल हैं ये। दे आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द शेडी एंड डैम प्लेसेस और डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से ये हैं वर्ल्ड वाइड। और प्लांट बॉडी जो कि इनकी गैमेटोफाइट है, दैट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू अ प्रोस्टेट ग्रीन फिलामेंटस ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज प्रोटोनीमा। कि जो प्रोटोनीमा है ये ऐसे ज़मीन पर लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल और ब्रांच पोर्शन होता है, जिससे फिर अपराइट इसके ये लीफी गैमेटोफाइट्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस। और इसका जो अपराइट पोर्शन या गैमेटोफाइट है That is differentiated into stem and leaves. और sex organs भी इसी portion पर जो upright portion है present है। नीचे root like present हैं rhizoids for the absorption and anchorage और एक false stem like structure present है। ऊपर इसमें present हैं इसके leaves और leaves जो हैं वो भी दो तरह के, एक scale leaves हैं जो कि होते हैं colorless, protection का काम करते हैं, और दूसरे that are फॉलीएज लीव्स और ये ग्रीन होते हैं, लार्ज इन साइज हैं और स्पाइरली अरेंज होते हैं, जैसे हमने अभी इस डायग्राम में ऑब्जर्व किए कि इनकी अरेंजमेंट जो है वो भी है स्पाइरल, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्पाइरल और स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट होती है इनकी। रिप्रोडक्शन जो है दो तरह से करते हैं, एक है इनमें सेक्शुअल और एक है एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है दैट इज़ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस करना है फोर टाइप्स की, एक हैं बाय द डेथ एंड डिके, बाय द जेमा फॉर्मेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ द प्रोटोनीमा जो कि अभी हमने देखा प्रोस्टेट हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इनका, और थर्ड वन इज एंड द फोर्थ वन इज द एपोस्पोरी। तो फर्स्ट वन है बाई डेथ एंड डिके। डेथ एंड डिके ऐसी कंडीशन जब प्रोस्टेट ब्रांचेस जो हैं वो उनकी हो जाती है डेथ, तो उनकी डेथ होने की वजह से, जैसे यहाँ पर दरमियान में से इनकी हो गई डेथ, तो डेथ होने की वजह से जो इरेक्ट पोर्शन है वो इंडिविजुअल प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं एक दूसरे से अलहदा होके। डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडिया जो है वो डिवेल्प होता है फ्रॉम द एपिकल सेल। तो एपिकल सेल जो है या एंथ्रीडियल इनिशियल जो है उसमें होती है, तो इस एंथ्रीडियल इनिशियल में होती है ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसके नतीजे में आउटर एपिकल सेल और एक लोअर सेल बन जाता है। लोअर सेल जो है और इनर सेल जो है वो तो डिवाइड करता है और डिवाइड करके बनाता है एम्बेडेड पोर्शन ऑफ द स्टॉक, जबकि आउटर सेल जो है ये अगेन ट्रांसवर्सली डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो सेल बनाता है, एक आउटर सेल और एक इनर सेल। तो इनर सेल जो है इसमें दो और तीन दफ़ा डिवीजन होती है और उन डिवीजन्स के नतीजे में 2-3 सेल स्टॉक बन जाता है, जबकि जो एपिकल सेल है इसके दो कटिंग फेसिस हैं। और ये जो एपिकल सेल है ये करता है डिवाइड डायगोनली इस तरह से कि एक स्मॉलर सेल और एक लार्जर सेल, और फिर इसमें डायगोनल डिवीजन होती हैं जिसके नतीजे में एक और स्मॉलर सेल और एक सेंट्रल लार्जर सेल बन जाता है। और ये जो सेंट्रल सेल इज कॉल्ड एज द एंड्रोगोनियल सेल, आउटर वन आर कॉल्ड एज द जैकेट इनिशियल्स। तो जो आउटर वन जैकेट इनिशियल है इनमें बार बार डिवीजन्स के नतीजे में ये तो प्रोड्यूस करते हैं आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग और जैकेट, जबकि अंदर वाले सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंड्रोगोनियल मदर सेल्स में, और एंड्रोगोनियल मदर सेल्स फिर माइटोसिस के ज़रिए से डिवाइड करते हैं और बनाते हैं एंड्रोसाइट्स। और ये जो एंड्रोसाइट्स हैं वो फिर मेटामॉर्फोसिस होती है उनमें, ग्रेजुअली चेंज होते हैं वो, और चेंज होके बाईफ्लैजिलेटेड कोइल्ड एंड्रोसाइट्स एंथीरोसाइट्स बना देते हैं या मेल गैमिट्स बना देते हैं। तो यह था इसमें डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। फीमेल ब्रांचेस जो हैं वो यूजुअली ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ मेल ब्रांचेस, और आर्चिगोनिया जो है वो भी मेल ब्रांचेस फीमेल ब्रांचेस पर, आर्चिगोनिया फीमेल ब्रांचेस पर लगते हैं क्लस्टर्स में, और इन आर्चिगोनिया के क्लस्टर्स के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं स्टीराइल हेयर्स जिन्हें कहते हैं पैराफिसिस। और हर एक आर्चिगोनियम जो है वो फ्लास्क शेप है जिसमें नीचे वाला पोर्शन उसका कहलाता है वेंटर और अपर इलोंगेटेड पोर्शन नेक कहलाता है। तो डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट होती है टॉप एंड पर, जो इसके आर्चिगोनियल ब्रांच पर सेल प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज
आर्जिगोनियल इनिशियल्स जो एनलार्ज हो जाता है और उसमें वर्टिकल डिवीजन से बनते हैं दो सेल, एक अपर सेल और एक लोअर सेल। लोअर सेल बेसल सेल है जो मज़ीद डिवाइड करके बेसल पोर्शन ऑफ आर्जिगोनियम बना देता है जो एम्बेडेड होता है इन द गैमेटोफाइट। अपर सेल आल्सो कॉल्ड एज आर्जिगोनियल मदर सेल। ये जो आर्जिगोनियल मदर सेल है ये अगेन डिवाइड करता है बाय इंटरसेक्टिंग ऑब्लिक वॉल्स, कि एक इंटरसेक्ट वॉल बनी एक और, जिसके नतीजे में एक दो और तीन सेल बन गए। जो सेंट्रल सेल है दैट इज़ कॉल्ड एज द एपिकल सेल, और इस एपिकल सेल के ये दो प्रेजेंट हैं कटिंग फेसेस। इसी तरह से ये मज़ीद डिवाइड करता है एपिकल सेल, बार बार एक दफ़ा फिर डिवाइड किया तो 4 to 8 सेगमेंट्स जो हैं अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस करता है, जो कि एक्ट करता है इसके स्टॉक के तौर पर। अब जो एपिकल सेल है, इस एपिकल सेल में तीन इंटरसेक्टिंग डिवीजन होती हैं। ये फर्स्ट डिवीजन हुई जिसके नतीजे में एक पेरिफेरल सेल बन गया, एक और डिवीजन हुई तो ये दूसरा पेरिफेरल सेल बन गया, और एक और डिवीजन हुई तो ये तीन पेरिफेरल सेल और एक सेंट्रल वन बन जाता है, दैट इज़ द एक्सियल वन। तो ये जो पेरिफेरल सेल्स हैं इनमें तो होती है एंटीक्लाइनल डिवीजन्स, और उन एंटीक्लाइनल डिवीजन्स के नतीजे में ये एक सिंगल लेयर्ड बाहर की तरफ बन जाता है जैकेट आर्जिगोनियम की। सेंट्रल सेल दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सियल सेल, इस एक्सियल सेल में होती है ट्रांसवर्स डिवीजन, जिसके नतीजे में एक अपर सेल प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनता है और एक लोअर सेल दैट इज़ द प्राइमरी वेंटर सेल। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है ये अगेन डिवाइड करता है नंबर ऑफ टाइम्स और प्रोड्यूस करता है इलोंगेटेड नेक और नेक कैनाल सेल्स। नीचे वाला जो प्राइमरी वेंटर सेल है ये सिर्फ वंस डिवाइड करता है और डिवाइड करके ऊपर वेंटर कैनाल सेल और निचली साइड पर बनाता है एग सेल। तो इस तरह से आर्जिगोनियम जो है उसकी डेवलपमेंट हो जाती है कि ऊपर नेक बन गई, वेंटर कैनाल सेल है एक, और एक एग या ओओस्फियर सेल है। नेक्स्ट वन इज़ द फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। तो एंथीरोजॉइट्स जो हैं